ओम शांति। 23 अक्टूबर 2024 के मुरली के महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली का सार, मीठे मीठे प्यारे प्यारे श्री बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम्हारी यात्रा बुद्धि की है, इसे ही रूहानी यात्रा कहा जाता है। तुम अपने को आत्मा समझते हो, शरीर नहीं। शरीर समझना अर्थात उल्टा लटकना। प्रश्न, माया के पंप में मनुष्यों को कौन सी इज्जत मिलती है? उत्तर, आसुरी इज्जत। मनुष्य किसी को भी आज थोड़ी इज्जत देते, कल उसकी बेइज्जती करते हैं, गालियां देते हैं। माया ने सबकी बेइज्जती की है, पतित बना दिया है। बाप आए हैं तुम्हें देवी इज्जत वाला बनाने। ओम शांति। रूहानी बाप रूहों से पूछते हैं, कहाँ बैठे हो? तुम कहेंगे विश्व की रूहानी यूनिवर्सिटी में। रूहानी अक्षर तो वो लोग जानते नहीं, विश्व विद्यालय तो दुनिया में अनेक हैं। यह है सारे विश्व में एक ही रूहानी विद्यालय, एक ही पढ़ाने वाला। क्या पढ़ाते हैं? रूहानी नॉलेज। तो यह है स्पिरिचुअल विद्यालय अर्थात रूहानी पाठशाला। स्पिरिचुअल अर्थात रूहानी नॉलेज पढ़ाने वाला कौन है, यह भी तुम बच्चे ही अभी जानते हो। रूहानी बाप ही रूहानी नॉलेज पढ़ाते हैं, इसलिए उनको टीचर भी कहते हैं। स्पिरिचुअल फादर पढ़ाते हैं, अच्छा फिर क्या होगा? तुम बच्चे जानते हो, इस रूहानी नॉलेज से हम अपना आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। एक धर्म की स्थापना, बाकी जो इतने सब धर्म हैं उनका विनाश हो जाएगा। इस स्पिरिचुअल नॉलेज का सब धर्मों से क्या ताल्लुक है, यह भी तुम बच्चे आप जानते हो। एक धर्म की स्थापना इस रूहानी नॉलेज से होती है। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना, उनको कहेंगे रूहानी दुनिया, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। इस स्पिरिचुअल नॉलेज से तुम राजयोग सीखते हो, राजाई स्थापन होती है। अच्छा फिर और धर्मों से क्या ताल्लुक है? और सभी धर्म विनाश को पाएंगे, क्योंकि तुम पावन बनते हो। तो तुमको नई दुनिया चाहिए। इतने सब अनेक धर्म खत्म हो जाते हैं, एक धर्म रहेगा आदि सनातन देवी देवता धर्म। उसको कहा जाता है विश्व में शांति का राज्य। अभी है पतित अशांति का राज्य, फिर होगा पावन शांति का राज्य। अभी तो अनेक धर्म है, कितनी अशांति है, सब पतित ही पतित है। रावण का राज्य है ना। अब बच्चे जानते हैं 5 विकारों को जरूर छोड़ना है, यह साथ में नहीं ले जाने हैं। आत्मा अच्छे व बुरे संस्कार ले जाती है ना। अब बाप तुम बच्चों को पवित्र बनाने की बात बताते हैं। बाबा हमें क्या बनाने आते हैं और क्या बताते हैं हमें? बाबा नई दुनिया में कैसे जाना है उसका रास्ता बताते हैं, और बाबा हमें पतित से पावन बनने का रास्ता बताते हैं। तो बाबा कहते हैं, बाप तुम बच्चों को पवित्र बनने की बात बताते हैं। उस पावन दुनिया में कोई भी दुख होता नहीं, यह स्पिरिचुअल नॉलेज पढ़ाने वाला कौन है? स्पिरिचुअल फादर, सभी आत्माओं का बाप। स्पिरिचुअल फादर क्या पढ़ाएंगे? स्पिरिचुअल नॉलेज। इसमें कोई भी किताब आदि की दरकार नहीं, सिर्फ अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना है, पावन बनना है। बाप को याद करते करते अंतमति सो गति हो जाएगी। बाबा कहते हैं, यह है याद की यात्रा। यात्रा अक्षर अच्छा है, वह है जिस्मानी यात्राएं, यह है रूहानी। उसमें तो पैदल जाना पड़ता है, हाथ पांव चलाते हैं, इसमें कुछ नहीं।
सिर्फ याद करना है, भूल कहाँ भी घूमो फिरो उठो बैठो अपने को आत्मा समझ पाप को याद करो। डिफिकल्ट बात नहीं है, सिर्फ याद करना है, यह तो रियलिटी है ना। आगे तुम उल्टे चल रहे थे, अपने को आत्मा के बदले शरीर समझना, इसको कहा जाता है उल्टा लटकना। अपने को बाबा कहते हैं उल्टा लटकाए रहते थे, अपने को आत्मा समझना यह है सुल्टा। अल्लाह जब आते हैं तब आकर पावन बनाते हैं। अल्लाह की पावन दुनिया है, रावण की पतित दुनिया है, देह अभिमान में सभी उल्टे हो गए हैं। अब एक ही बार देही अभिमानी बनना है तो तुम अल्लाह के बच्चे हो। अल्लाह हूँ नहीं कहेंगे, अल्लाह हूँ नहीं कहेंगे, है ना, अल्लाह के बच्चे कहेंगे, अल्लाह का बंदा, अल्लाह की बंदी, अल्लाह के बच्चे। तो बाबा कहते अल्लाह हूँ ये नहीं कहेंगे, अंगुली से हमेशा ऊपर की तरफ इशारा करते हैं तो सिद्ध होता है अल्लाह वह है। तो यहाँ जरूर दूसरी चीज है, हम उस अल्लाह बाप का बच्चा हूँ, हम भाई भाई हैं, अल्लाह हूँ कहने से फिर उल्टा हो जाएगा कि हम सब बाप है। देखो आज बाबा ने जो इसमें डाला है अल्लाह, तो बच्चों के लिए ही डाला है, कितने सारे अनेकानेक धर्म में बाबा के बच्चे कन्वर्ट हो गए हैं, तो वो सुनेंगे कि हमारी भाषा में आज बाबा हमें समझा रहा है, तो कितना ना खुशी का ठिकाना होगा उनका। तो देखो बाबा हर एक भाषा का भी कई बार इस्तेमाल करते हैं अपनी मुरली में। तो बाबा कहते हैं कहने से फिर उल्टा हो जाएगा, क्या उल्टा हो जाएगा, बाबा कहते हैं या तो यहाँ जरूर दूसरी चीज है, हम उस अल्लाह का बच्चा हूँ, हम भाई भाई हैं, अल्लाह हूँ कहने से फिर उल्टा हो जाएगा कि हम सब बाप हैं, परंतु नहीं, बाप एक है, उनको याद करना है। अल्लाह एवर प्योर है, अल्लाह खुद बैठ पढ़ाते हैं, थोड़ी सी बात में मनुष्य कितना मूंझते हैं। शिव जयंती भी मनाते हैं ना, श्री कृष्ण है स्वर्ग का पहला राजकुमार, यह बेहद का बाप, इनको राज्य भाग्य देते हैं। बाप जो नई दुनिया स्वर्ग स्थापन करते हैं उसमें श्री कृष्ण नंबर वन प्रिंस है। बच्चे जानते हैं स्वर्ग जिसको बैकुंठ विष्णुपुरी कहते हैं, वह पास्ट हो गया है, फिर फ्यूचर होगा, चक्र फिरता रहता है ना, यह ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिलता है। बाबा कहते हैं यह धारण करो फिर कराना है। हर एक को टीचर बनना है, ऐसे भी नहीं कि टीचर बनने से लक्ष्मी नारायण बनेंगे। बाबा कहते हैं नहीं, टीचर बनने से तुम प्रजा बनाएंगे, जितना बहुतों का कल्याण करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, स्मृति रहेगी। बाप कहते हैं ट्रेन में आते हो तो भी बैज पर समझाओ, बाप कहते हैं ट्रेन में आते हो तो बैज लगा कर जाओ और बैज पर समझाओ, है ना। शंख ध्वनि, ज्ञान शंख ध्वनि, कोई बजाए चाहे ना बजाए, कोई बात करे या ना करे, लेकिन तुम्हें बात करना है। किसकी बात करना है, बाबा की बात है, असली पिता की पहचान देना है, दो पिता का उन्हें संदेश देना है, एक हद का और एक बेहद के बाप की पहचान देनी है, और खुद आत्मा है यह बात उनको बतानी है कि हम असल में कौन है, सुलटी बात बतानी है, उल्टी से उन्हें सुलटी बात बतानी है। तो बाबा कहते हैं बेज पर फिर समझाओ। तो इस तरह बाबा कहते हैं बैकुंठ में बैच पर तुम ट्रेन में भी समझा सकते हो। और तो बाबा कहते हैं स्वर्ग का तो राजकुमार कौन है, है ना, तो वह बाप पतित पावन लिबरेटर है, ऐसे समझो, बाप बनाने वाला है, पावन पावन बनाने वाला है ना, तो बहुतों को याद करना पड़ता है। जानवर, हाथी, घोड़े आदि, कछु मच्छ को भी अवतार कह देते हैं कि इसमें ईश्वर का
रूप है, तो उनको भी पूछते रहते हैं, समझते हैं भगवान सर्वव्यापी अर्थात सब में है, सबको खिलाओ। बाबा कहते हैं अच्छा, कण कण में भगवान कहते हैं, फिर उनको कैसे खिलाएंगे? बिल्कुल ही समझ से जैसे बाहर है। लक्ष्मी नारायण आदि देवी देवताएं थोड़े ही यह काम करेंगे, चींटियों को अन्न देंगे, फलाने को देंगे। तो बाप समझाते हैं, तुम ही रिलीज हो पॉलिटिकल, तुम जानते हो हम धर्म स्थापन कर रहे हैं, राज्य स्थापन करने के लिए मिलिट्री रहती है, परंतु तुम हो गुप्त, तुम्हारी है स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र हैं। बाबा कहते तो बाप समझाते हैं, तुम हो रिलीज हो पॉलिटिकल, तुम जानते हो हम धर्म स्थापन कर रहे हैं, राज्य स्थापन करने के लिए मिलिट्री रहती है, परंतु तुम गुप्त हो, तुम्हारी है स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र हैं सब इन धर्मों से निकल अपने घर जाएंगे, शांति धाम। आत्माएं चली जाएंगी, वह है आत्माओं के रहने का घर। अभी तुम संगम युग पर पढ़ रहे हो, फिर सतयुग में आकर राज्य करेंगे और कोई धर्म नहीं होगा। आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत ऊंचा पद प्राप्त करने वाली है, ऊंचा पद प्राप्त करने के लिए आपको सतयुग में जाकर राज्य करने वाली बात बाबा कहते हैं, वही ऊंचा पद है। तो बाबा कहते हैं वहां राज्य करेंगे और कोई धर्म नहीं होगा। गीत में भी है ना, बाबा आप जो देते हो वह और कोई दे ना सके, सारा आसमान सारी ही धरनी तुम्हारी रहती है, सारे विश्व के मालिक तुम बन जाते हो। यह भी अभी तुम समझते हो, नई दुनिया में यह सभी बातें भूल जाएंगे। इसको कहा जाता है रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम हर 5000 वर्ष बाद राज्य लेते हैं, फिर गंवाते हैं, यह 84 का चक्र फिरता है रहता है। तो पढ़ाई पढ़नी पड़े तब ही जा सकेंगे ना, पढ़ेंगे नहीं तो नई दुनिया में जा नहीं सकेंगे। वहां का तो लिमिटेड नंबर है, नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार वहां जाकर पद पाएंगे। बाबा कहते हैं इतने सब तो पढ़ेंगे नहीं, अगर सभी पढ़े तो फिर दूसरे जन्म में राज्य भी पावे, पढ़ने वालों की लिमिट है। सतयुग त्रेता में आने वाले ही पढ़ेंगे, तुम्हारी प्रजा बहुत बनती रहती है, देरी से आने वाले पाप तो भस्म करना सके, पाप आत्माएं होंगी तो फिर सजाएं खाकर बहुत थोड़ा पद पा लेगी, बेचती होगी। जो अभी माया की बहुत इज्जत वाले हैं वह बेचित बन जाएंगे, यह है ईश्वरीय इज्जत, वह है आसुरी इज्जत। ईश्वरीय अथवा देवी इज्जत और आसुरी इज्जत में रात दिन का फर्क है। हम आसुरी इज्जत वाले थे, अब फिर देवी इज्जत वाले बनते हैं, आसुरी इज्जत से बिल्कुल बैगर बन जाते हैं। हाँ, बैगर बन जाते हो, यह है कांटों की दुनिया, तो बेइज्जती हुई ना, फिर कितने इज्जत वाले बनते हो। यथा राजा रानी तथा प्रजा, बेहद का बाप तुम्हारी इज्जत बहुत ऊंच बनाते हैं, तो इतना पुरुषार्थ भी करना है। सब कहते हैं हम इज्जत ऐसी बनावे, अर्थात नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन जावे। इतनी से ऊंच इज्जत कोई की है नहीं, कथा भी नर से नारायण बनने की ही सुनते हैं। अमर कथा तीसरी की कथा यह एक ही है, यह कथा भी ही तुम सुनते हो। तुम बच्चे विश्व के मालिक थे, फिर 84 जन्म लेते नीचे उतरते आए हो, फिर पहला नंबर का जन्म होगा, पहले नंबर जन्म में तुम बहुत ऊंच पद पाते हो, राम इज्जत वाला बनाते हैं, रावण बेइज्जत बना देते हैं। इस नॉलेज से ही तुम मुक्ति, जीवन मुक्ति को पाते हो, आधा कल्प रावण का नाम नहीं रहता है। यह बातें अभी तुम बच्चों की बुद्धि में आती हैं, सो भी नंबर बार।
कल्प कल्प ऐसे ही तुम नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार समझदार बनते हो, माया गफलत कराती है, बेहद के बाप को याद करना ही भूल जाते हैं। भगवान पढ़ाते हैं, हमारा वह हमारा टीचर बना है, फिर भी एब्सेंट रहते हैं, पढ़ते नहीं है, दर दर धक्के खाने की आदत पड़ी हुई है। पढ़ाई पर जिनका ध्यान नहीं रहता है तो उनको फिर नौकरी में लगा देना होता है, धोबी आदि का काम करते हैं, उसमें पढ़ाई की क्या दरकार है। धोबी की नौकरी के लिए या धोबी का काम करने के लिए बाबा कहते हैं उनको क्या पढ़ाई की दरकार है, नहीं है ना। तो व्यापार में मनुष्य मल्टी मिलियनर बन जाते हैं, मल्टी मिलियनर बन जाते हैं ना, तो नौकरी में इतना नहीं बनेंगे, उसमें तो फिक्स, बाबा कहते उसमें तो फिक्स पगार मिलेगी। अब तुम्हारी पढ़ाई है विश्व की बादशाही के लिए, यहाँ कहते हैं ना हम भारतवासी हैं, पीछे फिर तुमको कहेंगे विश्व के मालिक। वहां देवी देवता धर्म के सिवाय कोई दूसरा धर्म नहीं होता, बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो उनकी मत पर चलना चाहिए, कोई भी विकार का भूत नहीं होना चाहिए, ये भूत बहुत खराब है। कामी की हेल्थ बिगड़ती रहती है, ताकत कम हो जाती है, इस काम विकार ने तुम्हारी ताकत बिल्कुल खत्म करती है। बाबा कहते हैं नतीजा यह हुआ है, आयु कम होती गई है, भोगी बन पड़े हो, कामी भोगी रोगी सब बन जाते हैं। वहां विकार होता नहीं तो योगी होते हैं, सदैव तंदुरुस्त और आयु भी 150 वर्ष होती है, वहां काल खाता नहीं है। इस पर एक कथा भी बताते हैं। कोई से पूछा गया पहले सुख चाहिए या पहले दुख चाहिए, तो उनको कोई ने इशारा दिया बोलो पहले सुख चाहिए, क्योंकि सुख में चले जाएंगे तो वहां कोई काल नहीं आएगा, काल आएगा नहीं, अंदर घुस ला सके। एक कथा बनाती है, बाप समझाते हैं तुम सुख धाम में रहते हो तो वहां कोई काल होता नहीं, रावण राज्य ही नहीं, फिर जब भिखारी बनते हो तो भिकारी बनते हैं तो काल आता है। कथाएं कितनी बना दी है, काल ले गया फिर यह हुआ, ना काल देखने में आता है ना आत्मा दिखाई पड़ती है। इनको कहा जाता है दंत कथाएं, कनरस की बहुत कहानियां हैं। अब बाप समझाते हैं वहां अकाली मृत्यु को भी होता नहीं, आयु बड़ी होती है और पवित्र रहते हैं। 16 कला फिर कला कम होते होते एकदम 9 कला हो जाते हैं। बाबा कहते हैं मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, एक निर्गुण संस्था भी बच्चों की है। कहते हैं हमारे में कोई गुण नहीं, हमको गुणवान बनाओ, सर्व गुण संपन्न बनाओ। अब बाप कहते हैं पवित्र बनना है, मरना भी है सबको, इतने ढेर मनुष्य सतयुग में नहीं होते, अभी तो कितने ढेर हैं, वहां बच्चा भी योग बल से होता है, यहाँ तो देखो कितने बच्चे पैदा करते रहते हैं। बाप फिर भी कहते हैं बाप को याद करो, वह बाप ही पढ़ाते हैं, टीचर पढ़ाने वाला याद पड़ता है। तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ाते हैं वह भी तुमको मालूम है। तो बाप अथवा टीचर से योग लगाना है, नॉलेज बहुत ऊंची है, अभी तुम सबकी स्टूडेंट लाइफ है। ऐसी यूनिवर्सिटी कभी देखी जहां बच्चे बूढ़े जवान सब इकट्ठे पढ़ते हो, एक स्कूल एक ही पढ़ाने वाला टीचर हो और जिसमें ब्रह्मा स्वयं भी पढ़ता हो, वंडर है ना। शिव बाबा तुमको पढ़ाते हैं या ब्रह्मा भी सुनते हैं, बच्चा चाहे बूढ़ा कोई पढ़ सकते हैं, तुम भी पढ़ते हो ना यह नॉलेज, आप पढ़ाना शुरू कर दिया है, दिन प्रतिदिन टाइम कम होता चला जाता है, अभी तुम बेहद में चले गए हो, जानते हो यह 5000 वर्ष का चक्र कैसे पास हुआ, पहले एक धर्म था अभी कितने धर्म हैं, अभी सावरेंटी नहीं कहते नहीं कहेंगे, इनको कहा जाता है प्रजा का प्रजा पर राज्य, प्रजा का प्रजा पर राज्य। पहले पहले बहुत पावरफुल धर्म था, सारे विश्व के मालिक थे, अभी अधर्मी बन पड़े हैं, कोई धर्म नहीं, सब में 5 विकार हैं। बेहद का बाप कहते हैं बच्चों
अब धीर्य धरो, बाकी थोड़ा समय तुम इस सरावण राज्य में हो, अच्छी रीति पढ़ेंगे तो फिर सुख धाम में चले जाएंगे। यह है दुख धाम, तुम अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करो, इस दुख धाम को भूलते जाओ। आत्माओं का बाप डायरेक्शन देते हैं, हे रूहानी बच्चों, रूहानी बच्चों ने इन ऑर्गेन्स द्वारा सुना, तुम्हें आत्माएं जब सतयुग में सतो प्रधान थी तो तुम्हारा शरीर भी फर्स्ट क्लास था, फर्स्ट क्लास सतो प्रधान था, तुम बड़े धनवान थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते क्या बन गए हो? रात दिन का फर्क है, दिन में हम स्वर्ग में थे, रात में हम नरक में है। इनको कहा जाता है ब्रह्मा का, सो ब्राह्मणों का दिन और रात। 63 जन्म तक के खाते रहते हैं, अंधियारी रात है ना, भटकते रहते हैं, भगवान कोई को मिलता ही नहीं, इसको कहा जाता है भूल भुलैया का खेल। जब भूले तो दुखी हुए, जब याद किया तो सुखी हुए। तो बाप तुम बच्चों को सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाते हैं, अच्छे मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा, दर दर धक्के खाने की आदत छोड़, भगवान की पढ़ाई ध्यान से पढ़नी है, कभी एब्सेंट नहीं होना है, बाप समान टीचर भी जरूर बनना है। बाबा यहाँ चेला बनाने नहीं या शिष्य बनाने के लिए नहीं आए, बल्कि गुरु बन करके पढ़ाते और गुरु बनाते और फिर औरों को पढ़ाने की बात कहते, है ना, औरों को गुरु बनाना है। तो ऐसे बाबा टीचर बन, बाप समान टीचर भी जरूर बनना है, पढ़कर फिर पढ़ाना भी है। दूसरा, सत्य नारायण की सच्ची कथा सुन, नर से नारायण बनना है, ऐसा इज्जतवान स्वयं को स्वयं ही बनाना है, कभी भूतों के वशीभूत हो इज्जत गवानी नहीं है। वरदान संबंध और प्राप्तियों की स्मृति द्वारा सदा खुशी में रहने वाले सहज योगी भव, सहज योग का आधार है संबंध और प्राप्ति, सहज योग का आधार है संबंध और प्राप्ति। जब बाबा से बाप और बच्चे का संबंध जोड़ेंगे और उसके वर्षे को याद करेंगे तो स्वतः याद आएगी। संबंध के आधार पर प्यार पैदा होता है, संबंध के आधार पर प्यार पैदा होता है, और जहां प्राप्तियां होती हैं वहां मन बुद्धि सहज ही जाता है। जिससे कुछ प्राप्त होना है तो वह बुद्धि तो सहज ही आराम से चली जाती है, सहजता से। तो संबंध में मेरेपन के अधिकार से याद करो, दिल से कहो मेरा बाबा। बाबा और बाप द्वारा जो शक्तियों का, ज्ञान का, गुणों का, सुख शांति आनंद प्रेम का खजाना मिला है, उसे स्मृति में इमर्स करो, इससे अपार खुशी रहेगी और सहज योगी भी बन जाएंगे। स्लोगन है, देह भान से मुक्त बनो तो दूसरे सब बंधन स्वतः खत्म हो जाएंगे, देह भान से मुक्त बनो तो दूसरे सब संबंध सब बंधन स्वतः खत्म हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।